महितपुर तहसील कार्यालय पर अनुविभागीय अधिकारी महितपुर को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम किसानों के द्वारा किसान संघ के संयुक्त तत्वावधान में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के विषय में चर्चा करने पर किसान प्रतिनिधि मनोहर सिंह आंजना महू ने जानकारी देते हुए बताया कि सोसाइटी सहकारी बैंक की कृषि लोन केसीसी पलटी की रीति नीति में बदलाव के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है। किसानों के द्वारा मुख्यमंत्री से मांगे की गई है, सहकारी बैंक पलटी के नाम पर जो पूरा मूलधन जमा करवाया जाता है, इसे बंद करके सिर्फ खाद बीज एवं बीमा प्रीमियम की राशि जमा करवा कर की ही पलटी कराई जाए। पलटी के नाम पर किसानों का शोषण हो रहा है। आमतौर पर किसानों के पास एक मुश्त पैसा नहीं होने के कारण वो या तो मोटे ब्याज पर पैसा लेकर पलटी करते हैं या पैसे नहीं होने के कारण फिर डिफॉल्टर हो जाते हैं। उन्होंने पूछा, जो पैसा साल में 11 महीने 20 दिन किसानों के पास रहता है, अगर वो 10 दिन के लिए सहकारी बैंक में जमा हो जाए तो इससे बैंक को कितना फायदा हो सकता है? 10 दिनों में कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हो सकता, परंतु पूरे पलटी में किसानों को बहुत दिक्कत होती है। या तो वो सूदखोरों के जाल में फंस जाते हैं या फिर डिफॉल्टर हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि अगर पलटी की व्यवस्था में बदलाव सरकार करती है तो 99% किसान समय पर पलटी करके डिफॉल्टर होने से बचेंगे। इसी के साथ उन्होंने बताया कि पलटी के नाम पर सहकारी संस्थाओं में पलटी माफियावाद चल रहा है। अगर किसान स्वयं पलटी भी कर देता है तो महीने डेढ़ महीने तक उसके पैसे नहीं निकलते और वो बैंक का चक्कर लगाता रहता है। और अगर किसान इन सिस्टम के माफियाओं को पैसे देकर पलटी करवाता है तो उनका पैसा 3 दिन में ही निकाल दिया जाता है। ये भ्रष्टाचार भी है और व्यवस्था के खिलाफ खिलवाड़ भी है। साथ ही अन्नदाता किसान के पसीने का भी अपमान है। इसी के साथ उन्होंने बैंक में बचत खातों पर बैंक कर्मियों द्वारा रोक लगाने के नियम को तत्काल बंद करने एवं बचत खाते से छेड़छाड़ किए जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग की। आज अधिकतम किसान कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें बैंक की पासबुक की एंट्री तक पढ़ना नहीं आती, कब पैसे कट जाते हैं पता नहीं चलता, और इसके नाम पर भी किसानों का शोषण हो रहा है। इसी के साथ उन्होंने सरकार से मांग करी है कि सरकार अनुदान देकर सहकारी बैंक से कर्ज देने की जो लिमिट है उसे बढ़ाए, क्योंकि आज किसान बहुत बड़ी संख्या में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बैंकों के चंगुल में फंसता जा रहा है। आज सैकड़ों किसानों की प्रतिवर्ष जमीन नीलाम हो रही है। प्राइवेट बैंक की योजनाएं दूर से देखने पर बहुत ही मनभावन लगती है, परंतु जब आदमी इनके चक्कर में पड़ता है तो वो फंस जाता है। एवं खेती अनिश्चितताओं का सागर है। अगर किसी वर्ष फसल बिगड़ जाती है तो किसान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते एवं बड़ी बड़ी पेनल्टियां एवं पैसे जमा करने का बड़ा दबाव किसानों को हताश निराश एवं भयाक्रांत कर देता है, जिससे कई किसान आत्महत्या जैसे कृत्य को उठा लेते हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। तहसील के समस्त किसानों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम अनुविभागीय अधिकारी महितपुर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सभी समस्त किसानों ने किसान संघ के संयुक्त तत्वावधान में एवं और विभिन्न किसान संगठनों के साथ लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करी है कि तो सहकारी बैंक में पलटी के नाम पर किसानों के साथ बहुत व्यवहार हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। पूरा मूलधन जमा करवाने के चक्कर में कई किसान पैसा जमा भी नहीं कर पाते हैं और कईयों को रिश्वत देकर या बड़ा ब्याज देकर पलटी करने की जाती है। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करी है कि जैसे दूसरी बैंकों में ब्याज लेकर पलटी की जाती है, परंतु सरकारी बैंक में सरकार ब्याज भरती है, तो सिर्फ खाद बीज का एवं जो बीमे की प्रीमियम की राशि है वो भरवा कर किसानों के सहकारी बैंक के खातों की पलटी की जाए, जिससे किसानों को सच्चे अर्थों में राहत मिलेगी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की किसान कल्याण की जितनी भी महत्वाकांक्षा है, जितने सपने वो साकार होंगे, ऐसी हमने मांग रखी है। और निश्चित तौर पर किसानों ने बहुत ही अच्छा जन समर्थन करा इस मांग का और सरकार इसे संज्ञान में ले ऐसा गुनाह आग्रह करते एसडीएम साहब ने हमें कहा है कि हमें उचित मंच पर और माध्यम से तुरंत आपकी बात को मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और निश्चित तौर पर हमें यकीन है, एक अच्छे संजीदा इंसान है हमारे एसडीएम साहब, हमारी मांग को तुरंत पहुंचाएंगे और हो सकता है अपना अभिमत भी लगा के दें कि महितपुर के किसानों की ये मांग वास्तविकता में वजनदार है। मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे और किसानों को राहत मिलेगी, ऐसी अपेक्षा।